अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल डब्ल्यू बी न्यूज़ यानी वेस्ट बंगाल न्यूज़ हेडलाइंस पर। और आज हम जिला उत्तर दिनाजपुर के एक ऐसे माने जाने चेहरे के सामने मौजूद है जो कि AIMIM के बहुत ही माने जाने चेहरे हैं जिला उत्तर दिनाजपुर में, और आज इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो दर्शक हैं उन सभी को तो पता ही है, और खासतौर पर मैं भी इनको बताना चाहूँगा कि आज हम जो है ज़िला उत्तर दिनाजपुर के काजी रफ़ीकुल इस्लाम साहब के पास मौजूद है जो कि ज़िला उत्तर दिनाजपुर के बहुत ही माने जाने चेहरे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मतलब शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर टाइम दिए हैं। देखिए, मेरा नाम है रफ़ीकुल इस्लाम। AIMIM के बारे में आप हमारे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, ठीक है। अभी AIMIM की ज़रूरत इसलिए है कि अगर सही ढंग से अगर ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे CPM हो, कोई भी सरकार रहे बंगाल के अंदर, अगर सही ढंग से अगर काम करता तो AIMIM को आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये लोग सही ढंग से काम नहीं किए हैं, इसलिए आज AIMIM की ज़रूरत पड़ी है। और AIMIM को हर मुस्लिम, हर हिंदू, हर सिख, हर ईसाई, जितने भी धर्म के आदमी हैं, सबको मिलजुल के AIMIM के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। लोगों का कहना है कि AIMIM अगर बंगाल में आए तो BJP जीत जाएगी। लोगों का कहना है कि AIMIM के आ जाने से बंगाल में जो है TMC बहुत कमज़ोर हो जाएगी, बंगाल को बहुत बर्बाद हो जाएगा AIMIM के आने से। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि अगर कांग्रेस लड़े तो ठीक है, CPM लड़े तो ठीक है, TMC लड़े और दूसरा तीसरा पार्टी लड़े तो ये ठीक है। अगर AIMIM अगर आ जाए तो ये वोट कटवा कह देते हैं इनको। ये गलत फहमी है जो बोलते हैं कि ये वोट काटने के लिए आते हैं या TMC को हराने के लिए आते हैं, ये गलत बात है। ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो कोई ऑर्केस्टर पार्टी नहीं है कि वो नाचेगा और झुकेगा, गाना गाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो लड़ सकते हैं। अब रहा सवाल कि आज AIMIM की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ा कि ये लोग ढंग से अगर काम करते तो कोई ज़रूरत नहीं था AIMIM को आने की। ये लोग सही ढंग से काम ना करने की वजह से आज AIMIM पश्चिम बंगाल में एंट्री कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम लोग जितने भी कार्यकर्ता AIMIM के बहुत दम थम के साथ हम लोग काम करते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग हर विधानसभा में लड़ेंगे। अच्छा, तो जहाँ तक सवाल एक रहता है कि लोग कहते हैं कि TMC सरकार जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही मतलब मेहनत से काम कर रही है। लोगों का कहना है कि TMC सरकार जो है लोगों को द्वारे सरकार के जरिए लोगों की मदद कर रही है और भी दिगर कामों के जरिए लोगों की मदद कर रही है, तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि TMC सरकार काम नहीं करती है? ठीक है, आज 2011 से पहले ममता बनर्जी की सरकार तो नहीं थी, अब रहा सवाल कि वो पावर में अभी आई है, वो काम कर रही है। इंशाल्लाह अगर हमारे AIMIM भी अगर पावर में आएंगे तो ये भी ज़रूर काम करेंगे, यानी TMC में से भी ज़्यादा काम करेंगे और दूसरे सरकार से भी ज़्यादा काम करेंगे। अच्छा, और अगर आप अपने तरफ से कुछ कहना चाहेंगे कि AIMIM को के बारे में, मतलब कि AIMIM से जुड़ने के बारे में। देखिए, AIMIM को अभी इसलिए ज़रूरी है और आदमी को इसलिए जोड़ना ज़रूरी है कि हर हिंदू भाई, हर सिख भाई, हर ईसाई भाई या दलित आदिवासी भाई, जितने भी हमारे इंडियन लोग हैं, सबको AIMIM के साथ ही जोड़ना ज़रूरी है। अच्छा, इसलिए कि दूसरा तीसरा पार्टी को हम लोग तो देखे हैं, कोई कहते हैं कि यह मुस्लिम पार्टी है, उसका गलत फहमी है। यह मुस्लिम पार्टी है तो है नहीं, ये सबका पार्टी है। अच्छा, पूरे इंडियन कम्युनिटी का आदमी का यह पार्टी है, ये सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सबको मिल के इसमें जोड़ना ज़रूरी है। इसलिए कि हमको अगर आज नहीं जोड़ेंगे तो फिर दूसरा तीसरा पार्टी को जो हम लोग देखें तो फिर इसी तरीके से हम लोग पीछे रह जाएंगे। अच्छा, इसलिए हर आदमी को इसमें जोड़ना जरूरी है। अच्छा, तो आप उत्तर दिनाजपुर से जो है काजी रफ़ीकुल इस्लाम साहब बिलोंग करते हैं, मतलब उत्तर दिनाजपुर के रहने वाले हैं, तो उत्तर दिनाजपुर से अब तक तो कोई ऐसा चेहरा सामने आया है AIMIM का? देखिए, हम लोगों का सिद्धांत तो हुआ है, बातचीत चल रहा है, कुछ दिनों के अंदर हम लोग अपना जो चेहरा है पार्टी की तरफ से जो चेहरा होगा हम लोग उसको ओपन कर देंगे। बातचीत चल रहा है, अभी कैंडिडेट के लिए बातचीत चलता है, अगर हो जाता है तो हम लोग खुद ब खुद आपके जरिए से, आपके चैनल के जरिए से हम लोग कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे कि कौन सा चेहरा आएंगे सामने।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे काजी रफीकुल इस्लाम साहब जो कि हमें एक तरफ से बता रहे थे कि MIM को कितनी ज़रूरत है इस वक्त, बंगाल को कितनी ज़रूरत है MIM की, और साथ ही साथ बता रहे थे कि उत्तर दिनाजपुर में जो चेहरा आने वाला है MIM का, वो भी वो बहुत ही जल्द सामने लाएंगे, और साथ ही साथ MIM से जुड़ने की भी दावत दे रहे हैं। ये ऐसा बता रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है बल्कि और भी दिगर कौमों की भी पार्टी है, जैसे सिख, दलित, ईसाई, सभी की पार्टी है। तो इस वजह से ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी ना देखते हुए बाकी दिगर पार्टियों को भी देखते हुए इसमें जुड़ने की बातें बता रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर टाइम देने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी तरीके की रिलेटेड खबरों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।